गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत, स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट SST, यूनिट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। रोल ऑफ कैवोर। कैवोर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट इन 1852। कैवोर पिडमोंट का चीफ मिनिस्टर बना 1852 में। His main aim was to effect the emancipation of Italy from Austria. कैवोर का मुख्य उद्देश्य था इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराना। He was neither a revolutionary nor a democrat. कैवोर ना तो क्रांतिकारी था ना ही लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला। But he is known as the real maker of Italy. लेकिन इटली के निर्माण में कैवोर का योगदान सबसे ज़्यादा था। Though a tactful diplomatic alliance with France, he succeeded in defeating the Austrian force in 1859. कैवोर ने फ्रांस के साथ मिलकर एक संधि की और इसने ऑस्ट्रिया की सेना को 1859 में युद्ध में हराया। रोल ऑफ गिसेपी गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी वाज द हीरो ऑफ रेड शर्ट। गैरिबाल्डी रेड शर्ट का हीरो था, नायक था। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रेड शर्ट एक रेवोल्यूशनरी एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इन 1860 ही मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सेडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीसेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राई आउट द स्पेनिश रूल। 1860 में गैरिबाल्डी साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में पहुँचा और यहाँ के जो लोकल पीसेंट्स थे उनका साथ पाकर यहाँ पर स्पेन ने जो कब्जा किया हुआ था उससे इसको मुक्त कराया। विक्टर इमैनुअल सेकंड। इन 1861 द फर्स्ट इटालियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग ऑल इटली एक्सेप्ट रोम एंड वेनिसिया असेंबल इन ट्यूरिन विच फॉर्मली कन्फर्ड अपॉन द विक्टर इमैनुअल सेकंड द टाइटल ऑफ किंग ऑफ इटली। 1861 में पहली इटालियन पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। यहाँ पर रोम और वेनिसिया को छोड़कर बाकी सभी लोग इकट्ठा हुए टूरिन में और विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली के राजा का दर्जा दिया गया, राजा घोषित किया गया। दिस वॉज अनदर लॉन्ग स्टेप इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। In Britain, the formation of nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. Britain, जो एक nation state बना उसके पीछे कोई क्रांति या विद्रोह नहीं था। It was the result of a long drawn out process. Britain का unification एक काफ़ी लंबा प्रयास था। Before the 18th century, there was no British nation. 18वीं शताब्दी से पहले कोई British राष्ट्र नहीं था। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones, such as the English, Wales, Scot, or the Irish. ये जो British Island था यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे जिसमें English, Wales, Scot और Irish लोग शामिल थे। All of these ethnic group had their own cultural and political tradition. ये जितने भी ethnic group यहाँ पर रहा करते थे सबकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक ट्रेडिशन है, वो अलग अलग हुआ करते थे। हाउएवर फॉलोइंग आर सम फैक्टर डैट प्रमोटेड द बिल्डिंग अप ऑफ ब्रिटिश नेशन। तो यहाँ पर कुछ कारण हैं जिन्होंने ब्रिटिश नेशन के निर्माण में योगदान किया। फर्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंग्लिश नेशन। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई वो इंग्लिश नेशन में शुरू हुई और इसी की वजह से जो आर्थिक विकास था वो इंग्लिश का ज़्यादा हुआ। विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ इट सक्सेडेड इन एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। तो व्यापार और जो पैसा इन्होंने कमाया उसकी मदद से ये बाकी दूसरे जो नेशंस थे यहाँ पर ब्रिटिश आइलैंड में उन पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहे। रोल ऑफ पार्लियामेंट। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्ची इन 1688 एट द एंड ऑफ ए प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट
through which a nation state with England at its center came to be forged. जो ब्रिटिश जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसने मोनार्ची से पावर को 1688 में छीन लिया था और इसने इंग्लैंड को सेंटर में केंद्र में रहने रहकर बाकी सभी जो आइलैंड ग्रुप्स थे उन पर अधिकार करने में मदद की। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड डैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक समझौता हुआ जिसे एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना गया। ये 1707 में हुआ और इस समझौते के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। मेजोरिटी ऑफ द इंग्लिश मेंबर इन द पार्लियामेंट। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें ज़्यादातर इंग्लिश मेंबर शामिल थे। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन डैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। इसका मतलब था कि ब्रिटिश का जो प्रभाव था उसके तहत स्कॉटलैंड की जो संस्कृति है और जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस थे वो सब अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश लोगों द्वारा सप्रेस कर दिए गए। द कैथोलिक क्लेन डैट इनहेबिटेड द स्टॉकिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन। जो कैथोलिक समुदाय के लोग स्टॉकिश हाईलैंड्स में रहा करते थे उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर वेर फोर्सफुली ड्रिवन आउट फ्रॉम देयर होमलैंड। ये जो स्कॉटिश लोग थे जो अपनी भाषा बोला करते थे उन्हें अपनी भाषा इस्तेमाल ना करने और अपने राष्ट्रीय परिधान ना पहनने से रोका गया। इतना नहीं बड़े पैमाने पर इन लोगों को ज़बरदस्ती इनके घरों से भी निकाला गया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड वॉज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801 अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 1801। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ा गया 1801 में और जिस एक्ट के साथ तहत जोड़ा गया वो एक्ट था एक्ट ऑफ यूनियन और ये हुआ था 1801 में। बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन द कंट्री वॉज डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम के साथ जुड़ने से पहले ये देश आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू इम्पोज देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद की ताकि ये प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिक लोगों पर अपना अधिकार जमा सके। द कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वे ब्रूटली सप्रेस्ड। जो कैथोलिक लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन ब्रिटिश ने इनको निर्ममता के साथ दबा दिया। आफ्टर ए फेयर रिवोल्ट लेड बाई वोल्फ टोने हु वॉज ए लीडिंग फिगर इन यूनाइटेड आयरिस मैन आयरिस इंडिपेंडेंस मूवमेंट द कंट्री वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे वुल्फ टोन का नाम दिया हुआ है जो एक कैथोलिक थे और इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ा जाए। लेकिन जो आंदोलन इन्होंने इस चीज़ के विरोध में शुरू किया वो आंदोलन कामयाब नहीं हो सका और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ दिया गया। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ जहाँ पर इंग्लिश कल्चर इंग्लिश संस्कृति सब पर हावी थी। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक इस यूनाइटेड नेशन के लिए ब्रिटिश का जो नेशनल फ्लैग था यूनियन जैक इसी को अपनाया गया। ब्रिटिश की ही नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग यही यहाँ की नेशनल एंथम बनी। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड और जो भाषा ये लोग बोला करते थे इंग्लिश भाषा उसी को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। एंड ऑल ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज ए सबॉर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। उसके अलावा बाकी जितने भी आयरलैंड स्कॉटलैंड जो नेशंस थे वो सब इस यूनियन में एक सबॉर्डिनेट पार्टनर की तरह शामिल किए गए।
We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.